क्लास 12th यूपी बोर्ड चैप्टर नंबर 8 जीव विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत मत प्रक्रम जी। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 जो कि कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान चैप्टर से जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और विद्या क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर करिए और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ दोस्तों बहुविकल्पी में जो कि एक प्रश्न का अंक एक रहता है। जी हाँ दोस्तों, प्रति प्रश्न का अंक एक नंबर का रहता है। पहला प्रश्न है डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है डीएनए खंडों का ही पहचान करते हैं, तो आंसर है सर्दन ब्लोटिंग से। फिर दूसरा प्रश्न है जंतु कोशिकाओं में क्लीनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है, आंसर है पीबीआर 322। जिनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज में पीढ़ी है, प्रतिबंध अंतःनिकलीय। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पर आपको 7 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं जो है अति लघु उत्तरी प्रश्न पे। पहला प्रश्न है अनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं दो एंजाइम के नाम तथा कार्य लिखिए, तो पहला है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम, यह डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर ही डीएनए को काटता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है चैप्टर नंबर 8 का, आप ऐसे याद कीजिएगा। दूसरा है डीएनए लाइगेज, यह एंजाइम डीएनए के खुले सिरों को जोड़ता है। आगे प्रश्न दूसरा दिया है आणविक कैचियाँ क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर लिख लीजिएगा। प्रतिकृतियन का उद्भव भी जो है एग्जाम में पूछा जाता, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीआर। जी हाँ दोस्तों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन 100% एग्जाम में आता है, तो आप इसे ज़रूर ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब।